गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन बात करते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड का प्रिपरेशन करेंगे आज अपन। ठीक है, तो इसका प्रिपरेशन अपन किस किस तरीके से करते हैं तो वो बात तो होगी होगी। उसके अलावा इसकी कुछ बात है अलग से भी हैं जो इसकी एक अपने कह सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज पर बात करें थोड़ी सी पहले स्टार्टिंग में, तो जो 2, 4, 6 यानी कि ऑर्थो, मेटा और पैरा, ठीक है ना, ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है, यानी कि इसकी तीनों पोजीशन पर, बेंजीन रिंग की तीनों पोजीशन पर क्या है, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, इसकी फिनोल पर, ठीक है, को क्या कहते हैं अपने, पिक्रिक एसिड कहते हैं। ये क्या होता है कि येलो कलर का एक क्रिस्टलाइन मैटर होता है, पदार्थ होता है, ठीक है, और इसका जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है, ठीक है ना, कड़वा टेस्ट होता है, ठीक है। और बीटर जो है वो शब्द कहाँ से आया है कि ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा से, यानी कि पिक्रोस, पिक्रोस मीन क्या होता है, कड़वा, और कड़वा क्या है, बीटर, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 122 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यह क्या है कि एक स्ट्रोंग एसिड होता है, ठीक है। स्ट्रोंग एसिड होने का रीजन क्या होता है कि भाई इस पर क्या है कि 3 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो 3 नाइट्रो ग्रुप क्या करेंगे यहाँ पर कि इन नाइट्रो ग्रुप का इस पर क्या रहेगा, -I और -M इफेक्ट रहेगा, ठीक है, जिससे क्या है कि जो फिनोल है, सॉरी OH ग्रुप है, वो क्या हो जाता है कि एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक नेचर का हो जाता है, यानी कि इतना अधिक एसिडिक होता है कि जो क्या है कि जो कार्बोनेट्स लाइक आप सोडियम कार्बोनेट हैं उनका क्या कर देता है ये, डिसोसिएशन, सॉरी डिकम्पोजिशन, डिसोसिएशन नहीं, डिकम्पोजिशन, विघटन, ठीक है ना, विघटन कर देता है, ठीक है ना। तो ये इसकी बात है, पहले तो ये रिएक्शन बताएंगे, फिर बात करेंगे इसके प्रिपरेशन के मेथड्स पर। तो फर्स्ट अपन यही बात करते हैं, इसको नोट करता हूँ मैं, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रोफिनोल, नाइट्रोफिनोल को क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड कहते हैं, ठीक है। फिर इसकी प्रॉपर्टी, अपने फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें थोड़ी सी, तो वो क्या है कि यह येलो कलर का क्रिस्टलीय, यानी कि क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन पदार्थ होता है, मैटर, ठीक है, जिसका टेस्ट ठीक है, स्वाद क्या होता है, बीटर होता है, बीटर यानी कि ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा में पिक्रोस, मीन क्या होता है, कड़वा, और कड़वा क्या होता है, बीटर, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट MP, ठीक है ना, MPUP, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 122 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तथा यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, होता है जो क्या करता है, कार्बोनेट,
कार्बोनेट को डीकंपोज डीकंपोज कर देता है, यानी कि विघटित कर देता है। ठीक, दूसरी बात है, यह स्ट्रोंग एसिड होता है क्योंकि, रीजन क्या है इसका, बिकॉज नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप के स्ट्रोंग प्रबल माइनस आई व माइनस एम मेसोमेरिक, ठीक है ना, इंडक्टिव और मेसोमेरिक, ठीक है ना, इफेक्ट के कारण, इफेक्ट के कारण पिक्रिक एसिड एसिड का फिनोलिक फिनोलिक ओएच समूह, ओएच ग्रुप क्या हो जाता है, अधिक अम्लीय हो जाता है। अधिक अम्लीय यानी कि मोर एसिडिक। ठीक है, अब जैसे यहां पर ये क्या है कि इसी रीजन से कि ये क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, या सोडियम बाई सॉरी सोडियम बाई कार्बोनेट उसको क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। तो पिक्रिक एसिड क्या है, इसकी एक रिएक्शन बता देते हैं डिकम्पोजिशन की। ओ मरियम, ये क्या है, यहां पर पिक्रिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, इसको डिकम्पोज करेगा ये, जिसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा, NO2, NO2 और ये भी NO2, ठीक है, और यहां पर क्या जाएगा, ओ Na प्लस पानी और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये क्या फॉर्म हो गया यहां पर, सोडियम पिक्रेमाइट। पिक्रेमाइड, सॉरी माइट नहीं, पिक्रेमाइड, ठीक है। तो ये इसकी डिकम्पोजिशन की बात हो गई। अब इसके बाद बात आती है इनके प्रिपरेशन के मेथड्स, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, ठीक है, इसका विरचन, ठीक, तो इसका विरचन आप कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट मेथड आता है फ्रॉम फिनोल, फिनोल से या फिनोल के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो फिनोल है उस फिनोल का क्या कराते हैं, अपने नाइट्रेशन कराते हैं, तो
आपको पता है कि जब फिनोल का आप नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रेशन में क्या होगा, NO2 ग्रुप इस पर अटैच होगा, तो उस कंडीशन पर क्या है कि ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल यहाँ पर बनते हैं, ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनोल यहाँ पर क्या होंगे, फॉर्म होते हैं, जिनका क्या है कि और अधिक नाइट्रेशन यानी कि ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनोल का अपन क्या कराएंगे कि नाइट्रेशन कराते हैं, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, पिक्रिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, क्या करते हैं कि फिनोल का नाइट्रेशन नाइट्रीकरण नाइट्रेशन कराने पर क्या होगा, ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनोल फिनोल बनते हैं या फॉर्म होते हैं, ऑब्टेंड होते हैं, जिनका अधिक नाइट्रेशन मोर नाइट्रेशन, ठीक है, मोर नाइट्रेशन या अधिक नाइट्रेशन कराने पर क्या होगा, कराने पर पिक्रिक एसिड बनते हैं या प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहां पर रिएक्शन, तो आप रिएक्शन में फिनोल ठीक है, फिनोल का अपन क्या कराएंगे, नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस किसके कौन करता है, HNO3, ठीक है ना, नाइट्रेशन कराएंगे तो आपको ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव यहाँ पर फिनोल के ये तो हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और प्लस आपको पैरा नाइट्रोफिनोल। अब जो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल जो आपको प्राप्त हुआ है, इसका आगे क्या कराएंगे कि और अधिक नाइट्रेशन कराते हैं, ठीक है, और अधिक नाइट्रेशन किसके साथ होगा, HNO3 प्लस H2SO4, ठीक है, इनके साथ इनका कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, पिक्रिक एसिड। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो फिनोल, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि भी HNO3 का एक नेचर क्या होता है कि एक ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है, ऑक्सीकारक होता है, जो फिनोल को क्या करता है, ऑक्सीकृत कर सकता है। तो इस मेथड से यानी कि ये क्या है कि डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि है, तो इसमें क्या है कि नाइट्रेशन की जो मेथड है इसमें तो पिक्रिक एसिड की बहुत कम मात्रा प्राप्त होती है, अतः क्या है कि फिनोल से क्या है कि इनडायरेक्ट मेथड द्वारा पिक्रिक एसिड का सिंथेसिस किया जाता है। ठीक है, क्या बात है, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक है ना, ऑक्सीडेंट होता है जो फिनोल का ऑक्सीडेशन कर देता है, अतः क्या होगा, इस प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट डायरेक्ट नाइट्रेशन मेथड से
नाइट्रेशन मेथड से पिक्रिक एसिड एसिड वेरी लेस अमाउंट बहुत कम मात्रा में, ठीक है ना, बहुत कम मात्रा में बनता है, ठीक है। अतः क्या है, इस कारण से, इस रीजन से, इस कारण से परोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड विधि द्वारा पिक्रिक एसिड का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या है कि यहाँ पर आप क्या लेंगे, फिनोल का आप यहाँ पर क्या करेंगे, H2SO4 के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो आपको क्या होगा, इसका सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। अब इस सल्फोनिक एसिड का क्या है कि ऑर्थो पैरा फिनोल का सल्फोनिक एसिड यहाँ पर प्राप्त होगा, जिसका आप क्या है यहाँ पर नाइट्रेशन कराएंगे। तो नाइट्रेशन कराएंगे तो यहाँ पर सल्फोनिक एसिड के क्या है कि नाइट्रो ग्रुप वाले प्राप्त हो जाएंगे, और फिर इनका आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फिर आपको क्या हो जाएगा, पिक्रिक एसिड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड पर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड पर, ठीक है। थैंक यू। वो तेरी हाथ तो लेफ्ट हो गया। हाँ तो बेटा वीडियो में गड़बड़ी हो गई है ना, कैमरा हिल गया और ये आपको उल्टा काम हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। आप देख लेना मोबाइल को सेट करके आपको, ठीक है ना, ऑटो रोटेशन बंद कर देना।